हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई एम रजामुल हक, वेलकम करता हूँ आपका रजामुल हक लर्निंग यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज एसएससी जेई। तो एसएससी जेई का फुल फॉर्म है स्टाफ सेलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियरिंग, और इस पोस्ट के लिए एक टेक्निकल पोस्ट है ग्रुप बी लेवल का, जो इसकी जिसकी वैकेंसी जो है हर साल निकलती है सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होती है, कितने पेपर्स रहते हैं इसमें, सिलेबस क्या होता है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का। जो सिलेबस है उसका जो PDF है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सब्जेक्ट वाइज वेटेज, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में, कौन सा सब्जेक्ट मेजर रोल प्ले करता है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, CMPM फार्मूला, ये एकदम सुपर ट्रिक है। CMPM फार्मूला, वो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर वाला CMPM नहीं है यहाँ पर, ये फार्मूला है। आप आगे देखिएगा, आपको मज़ा आने वाला है। बुक्स टू बी रेफर्ड, कौन कौन से बुक पढ़ना चाहिए, कौन कौन से बुक को रेफ़र करना चाहिए, उसको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ PDF लिंक इन डिस्क्रिप्शन, इसका जो PDF है सारे बुक का वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ईजिली। कट ऑफ भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, प्रीवियस 3 से 4 ईयर का कट ऑफ क्या गया है, वो सब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कटअप के साथ साथ हम लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट्स का भी बात करेंगे, क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, और इफ़ेक्ट ऑफ CET। हाल फिल में एक एक्ट आया है CET, CET का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है SSC JEE में, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका एटलीस्ट जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वह डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, आपका डिप्लोमा होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट का बात कर ले तो 32 होता है हाईएस्ट, 18 से पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो 32 है ये सिर्फ एक ही पोस्ट होता है CPWT, उसी के लिए होता है, बाकी के लिए तो 30 ही होता है। और रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलता है SC ST वालों को 5 ईयर्स का, और OBC वालों को 3 ईयर्स का। मीन जो SC ST है वो ये जो एज लिमिट है उससे 5 ईयर्स प्लस में भी अप्लाई कर सकते हैं, 5 ईयर्स प्लस तक, और OBC वाले 3 ईयर प्लस तक। नेशनैलिटी क्या होता है, नेशनैलिटी क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन। चलिए बात करते हैं आगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, क्या पैटर्न होता है SSC JEE में। तो इसमें दो पेपर होते हैं, पहला जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, और दूसरा जो पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। चलिए हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि MCQ टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं, आपको एक चूज़ करना होता है। ये CBE मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, इसमें 200 क्वेश्चन रहते हैं जिसके लिए 200 मार्क्स होते हैं, मतलब कि पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का। इसमें जो टाइम दिया जाता है वो 2 आवर्स होता है। इसमें आपको पता होना चाहिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पूछता है, नॉन टेक्निकल के लिए 100 मार्क्स पूछता है और टेक्निकल का 100 मार्क्स पेपर 1 के लिए। और नॉन टेक्निकल में क्या क्या होता है, रीजनिंग मतलब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस से भी पूछता है इसमें बेसिकली SST साइंस जो GK GS है वही से पूछता है 50 मार्क्स का। और जो टेक्निकल है आप जैसे इलेक्ट्रिकल से हैं, अब हम लोग इलेक्ट्रिकल का बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से जो टेक्निकल क्वेश्चन है वह 100 मार्क्स का पूछता है। और आपको यहाँ पता होना चाहिए पेपर 1 के लिए नेगेटिव मार्किंग भी होता है 0.25 मार्क्स का, एक क्वेश्चन गलत करने पर आपको 0.25 मार्क्स काट दिए जाते हैं। और जो पेपर 2 का बात कर लेते हैं हम लोग, पेपर 2 जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है और रिटर्न पेपर होता है। पेपर 1 CBE मतलब कंप्यूटर बेसिक एग्जामिनेशन होता है, और पेपर 2 जो होता है वो रिटर्न होता है। पेपर 2 के लिए आपको 300 मार्क्स जो कि ओनली टेक्निकल से पूछा जाता है, उसमें नॉन टेक्निकल नहीं होता है, और उसके लिए भी आपको
आर्ट्स ही दिए जाते हैं। तो इसमें कितने क्वेश्चंस रहते हैं? तो इसमें 6 क्वेश्चंस रहते हैं, 6 क्वेश्चन मीन्स 60 60 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 360 हुआ। तो उसमें से 6 में से आपको 5 क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं, और ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन 60 मार्क्स का, एक क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चंस भी रहते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हो गया, उसके अंदर ABCD करके दे दिया, तो कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स का, कोई 15, कोई 20, इसी तरह के 60 में से 4 क्वेश्चन घुसाता है वो। चलिए बात कर लेते हैं आगे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सिलेबस के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए SSC JEE में इलेक्ट्रिकल के जितने भी सब्जेक्ट है वो सब नहीं पूछता है, कंट्रोल सिस्टम वगैरह नहीं पूछता है। तो यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट पूछता है और किस किस पर हमको फोकस करना है वो देख लेते हैं। जो सर्किट थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी या फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल बोल ले, ये सबसे मेन सब्जेक्ट हैं, सबसे मेजर रोल प्ले करता है। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इस्टीमेशन, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका अगर डिटेल सिलेबस चाहिए, इसमें यही 7 सब्जेक्ट होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर इसका डिटेल सिलेबस चाहिए तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड देख सकते हैं। यहाँ पे डिटेल सिलेबस है डिस्क्रिप्शन से। मैंने बोला था जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यहाँ पे ये सब टॉपिक आप पढ़ सकते हो। जनरल अवेयरनेस, जिसको हम लोग GK GS के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी दिया है, पॉलिटी वगैरह है इसमें। जो हमारा जनरल इंजीनियरिंग, मतलब कि जिस ब्रांच से हो आप, तो इलेक्ट्रिकल का हम लोग देख लेते हैं, मैंने बोला था इसमें। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक कंसेप्ट, सर्किट सर्किट, AC फंडामेंटल्स, ये सब सर्किट थ्योरी या फिर आप बोल सकते हो बेसिक इलेक्ट्रिकल, दोनों सेम ही है। तो बेसिक कंसेप्ट में आप देख सकते हो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, RLC, और करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, बेसिक चीज़ें बेसिक कंसेप्ट में। सर्किट लॉ में आपको AC और DC लॉ के बारे में पढ़ना पड़ता है, KCL, KVL जितने भी है लॉ है। मैग्नेटिक सर्किट में आपको फ्लक्स, MMF देख सकते हो आप यहाँ पे सब दिया हुआ है। AC फंडामेंटल्स में आपको सिंगल फेज, 3 फेज दोनों पढ़ना होता है, आप देख सकते हो डिटेल सिलेबस। इलेक्ट्रिकल मशीन में आपको DC मशीन, ट्रांसफार्मर, DC मोटर, DC जनरेटर और सिंक्रोनस मशीन, 3 फेज इंडक्शन मोटर्स वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे, सिंक्रोनस मशीन्स। उसके बाद जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये पावर सिस्टम का, ये पावर सिस्टम है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इस्टीमेशन एंड कॉस्टिंग और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यही 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है। तो हमने बात किया यही 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज। तो किस सब्जेक्ट का कितना का, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली टेक्निकल का। तो देख सकते हैं आप सर्किट थ्योरी या फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल 32%, बहुत ही बड़ा परसेंटेज है। और इसमें जो हमने देखा था बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, AC फंडामेंटल्स, अभी आपने देखा, आप देख सकते हो बेसिक कंसेप्ट में से 10 से 13% का क्वेश्चन आता है, और सर्किट लॉ से 7 to 8%, मैग्नेटिक सर्किट से 7 to 8%, AC फंडामेंटल से 5 to 6% का क्वेश्चन आ जाता है। इलेक्ट्रिकल मशीन से ओनली 25% का क्वेश्चन आ जाता है, मतलब कि दोनों मिलाकर तो 57 ऐसे ही हो गया, आप सोच सकते हो कितना मेजर रोल प्ले कर रहा है। पावर सिस्टम से 13% का क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट से यहाँ पे 13% का क्वेश्चन आता है, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आप देख सकते हो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से 7% का क्वेश्चन आ जाता है। इस्टीमेशन एंड कॉस्टिंग 5%, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 5%। आपको मैं बता दूं, ये अप्रोक्स डाटा है, जो प्रीवियस 5 ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं उसके एनालाइजेशन के बेस पर है, तो आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं नॉन टेक्निकल में, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट कैसा रोल प्ले करता है। तो जनरल अवेयरनेस, GK GS हम लोग जिसको बोलते हैं, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो GK GS में आप देख सकते हो फर्स्ट पहले है GK एंड करंट अफेयर्स, GK और करंट अफेयर्स से 25%, मीन्स 12 से 13 क्वेश्चन आ जाते हैं आपका पेपर वन में। ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट से 16%, मीन 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। हिस्ट्री, हिस्ट्री से 11%, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से 16%, मीन्स आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से लगभग 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। पॉलिटी से 10%, मीन्स 4 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन अप्रोक्स।
इकोनॉमिक्स से 9%, बायोलॉजी जिसको हम लाइफ साइंस बोलते हैं 7%, 3 से 4 क्वेश्चन आता है अदर्स, अदर्स से तीन तीन क्वेश्चन आ जाता है से 6%, और जो 50 मार्क्स और बच गया नॉन टेक्निकल में वो होता है रीजनिंग का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। यहाँ से आप मार्क्स गेन कर सकते हो, आप डिप्लोमा किया हो या फिर बीटेक किए हो, आप यहाँ से इजीली मार्क्स ऑब्टेन कर लेते हो, 40+ तो आसानी से ला सकते हैं आप, बहुत ही ईजी लेवल का होता है रीजनिंग, 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बात कर लेते हैं CMPM फार्मूला। हमको पता है इसका वेट आपको होगा, CMPM फार्मूला प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जिसको हमने बोला था। तो कुछ देर हमने पहले देखा सर्किट थ्योरी अकेले 32% मार्क्स गेन कर रहा था, ऑब्टेन कर रहा था, ये ऑक्यूपाई कर रहा था सर्किट थ्योरी 32%, और जो मशीन्स था वो 25%। ओ CMPM क्या है? C फॉर सर्किट थ्योरी, M फॉर मशीन्स, P फॉर पावर सिस्टम एंड M फॉर मेजरमेंट। तो यही है CMPM फार्मूला, इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत बेनिफिट होगा। सर्किट थ्योरी से देख सकते हो आप 32% अकेले जो ऑक्यूपाई कर रहा है, मशीन 25%, पावर सिस्टम 13%, मेजरमेंट 30%, 13%। मतलब ये चार सब्जेक्ट अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये तो 83% हो जाता है ना, तो इसीलिए मैंने CMPM फार्मूला बताया, ये बहुत ही 250 ट्रिक है CMPM। ये सब्जेक्ट पहले आप पहले फोकस कीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, उसके बाद आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स UEE और एस्टिमेशन कॉस्टिंग में जा सकते हो। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल ही है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कौन कौन सा बुक हमको फॉलो करना चाहिए, बुक्स टू बी रेफर्ड, कौन कौन सा बुक हमको रेफ़र करना चाहिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है MCQ पर्पज़ के लिए, तो आप VK मेहता का बुक आता है, RK राजपूत का बुक आता है, JB गुप्ता का बुक आता है। अगर आप डिप्लोमा वाले हो, डिप्लोमा किए हो, तो आप VK मेहता आपके लिए बेस्ट है, इसमें बहुत ही बेसिक से उठाया गया है VK मेहता, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और अगर आप थोड़ा हाई लेवल का पढ़ना चाहते हो तो RK राजपूत, लेकिन पहले आप VK मेहता को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तभी किसी बुक पर जाइएगा। RK राजपूत, JB गुप्ता, ये बेसिकली बीटेक वाले पढ़ते हैं, लेकिन आप भी पढ़ सकते हो अगर आपका VK मेहता कंप्लीट हो गया है तो। सर्किट थ्योरी की बात कर लेते हैं, इसको हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल भी बोलते हैं। इसके लिए अभिजीत चक्रवर्ती का बुक आता है सर्किट थ्योरी का, आप उसको पढ़ सकते हो, या फिर BL थरेजा की बुक भी रिफर कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट होगा अभिजीत चक्रवर्ती की बुक। BL थरेजा में क्या है, उतना थ्योरी नहीं दिया अच्छा से, और जो न्यूमेरिकल भी है वो न्यूमेरिकल को बहुत ही ब्रीफ में वो सॉल्व किया हुआ है, तो आपको उसमें समझने में कठिनाई हो सकती है, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। चलिए मशीन्स की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लिए आपको कौन सा बुक फॉलो करना है, अशफाक हुसैन, या फिर आप PS बिमरा की भी बुक फॉलो कर सकते हो, लेकिन अशफाक हुसैन का बुक बहुत ही बेसिक से उठाया गया, तो आप मैं रिकमेंड करूँगा अशफाक हुसैन। पावर सिस्टम में आप CL वाधवा की बुक आती है वो भी आप पढ़ सकते हो, और VK मेहता की भी बुक आती है, वो बहुत ही बेसिक बुक है, उसको भी पढ़ सकते हो। मेजरमेंट के लिए तो बस यही छाया हुआ है VK सहानी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स VK मेहता आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। संजय शर्मा ने आप VK मेहता ही पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में आप KB रैना को फॉलो कर सकते हो। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में JB गुप्ता, तो इसका जो PDF है सारे बुक का, वो मैं जो जो मेरे पास रहेगा सारा बुक का मैं PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए हम लोग बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं, देख सकते हो आप ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी बाय VK मेहता, इसमें ओवर 3500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस दिए गए हैं विद हिंट्स के साथ, ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें आप बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा, देख सकते हो आप इसमें मशीन सारा सब्जेक्ट दिया गया है, पावर सिस्टम पहले कुछ ब्रीफ थ्योरी दिया गया है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव दिया गया है, शॉर्ट क्वेश्चंस देन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, देख सकते हो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन द डायमीटर ऑफ एन एटम, यहाँ से सेमेस्टर एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख सकते हो इसको आप फॉलो कर सकते हो, बहुत ही बेसिक बुक है। और जो नेक्स्ट बुक है वो है RK राजपूत, देख सकते हो आप इंटीग्रेटेड कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, RK राजपूत का है, RK राजपूत,
आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट बुक है जेबी गुप्ता की बुक है, जेबी गुप्ता इलेक्ट्रिकल। इसमें 17,000 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं, ये बेसिकली यूपीएससी वगैरह के लिए है, तो आप परचेस कर सकते हो, ले सकते हो अगर आप बीटेक किए हो तो। वहाँ किए हो तो पहले आप बीके में तो पढ़ लीजिएगा, देन किसी बुक पर जाइएगा। ये जो बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी बाय बी एल थरेजा, ऑल वॉल्यूम्स है, इसमें सही वॉल्यूम दिया गया है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। मेरे पास अभी अभिजीत चक्रवर्ती की बुक नहीं है, अगर वो मिलता है तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये देख सकते हो आप इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड एडिशन है, अशफाक हुसैन की बुक है, इसमें बहुत ही ईजी लैंग्वेज यूज़ किया गया, आप इसको फॉलो कर सकते हो इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए। इसमें सब दिया गया है, ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन, इसमें सब दिया गया है, इंडक्शन मशीन वगैरह। ये बी के मेहता साहब की बुक है, प्रिंसिपल ऑफ पावर सिस्टम बाय बी के मेहता, इसको आप पावर सिस्टम के लिए फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ ए के सहानी, मेजरमेंट बाय ए के सहानी। मेजरमेंट में तो बस यही छाया हुआ है अभी। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देख सकते हो बी के मेहता साहब की बुक है, उसको आप रेफर कर सकते हो। एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के लिए बुक है, एस्टिमेशन डिजाइन एस्टिमेशन कॉस्टिंग दिया है, के रैना की बुक है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। चलिए हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, तो ये सब बुक आप रिफ़र कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं कट ऑफ के बारे में, क्या कट ऑफ रहा प्रीवियस 3 से 4 ईयर में, वो हम लोग देख लेते हैं। 2018, 2017, 2016, 2015 देख सकते हो आप। 2018 में जो जनरल के लिए था कट ऑफ पेपर वन के लिए 152.16, ओबीसी के लिए 149.30, एससी के लिए 133.39, एसटी के लिए 125.49, और 17 में भी 136 के आसपास गया था, 136.25 जनरल के लिए, 2016 में 115, 2015 में 131। तो कट ऑफ किस पर डिपेंड करता है? कट ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट ने फॉर्म को अप्लाई किया उस पर डिपेंड करता है, और एग्जामिनेशन का क्या लेवल रहा उस पर भी डिपेंड करता है, क्वेश्चन ईजी था कि टफ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनल कट ऑफ जो पेपर वन और पेपर टू दोनों मिला के, जो मतलब कि 200 प्री के लिए और मेंस के लिए 300 दोनों मिला के 500 मार्क्स हो जाते हैं, तो 2 ईयर का डाटा है मेरे पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे। 2017 में जनरल के लिए 303 गया था, ओबीसी वालों के लिए 299, एससी के लिए 268.5 और एसटी के लिए 260.5 गया था। और 2016 में आप देख सकते हो वहीं जनरल के लिए 285.75, ओबीसी के लिए 245.75, एससी के लिए 210.5 और एसटी के लिए 206.5 गया था। बात कर लेते हैं क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, व्हाट आर द वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो सबसे जो पहला डिपार्टमेंट है सीपीडब्ल्यूडी, फुल फॉर्म है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, तो यही एक ऐसा पोस्ट है जिसमें 32 ईयर्स होता है जो एज लिमिट होता है, बाकी में 30 तक ही होता है। NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, FBG फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, CWPRS सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, MES मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन नवाल, जो कि डायरेक्टोरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस है। यहाँ पे नोट दिया गया, देख सकते हो आप क्या नोट पॉइंट हैं, तो आपको पता होना चाहिए आप अगर डिप्लोमा करके ये पोस्ट की अप्लाई कर रहे हो तो आप सारे पोस्ट के लिए मतलब कि सारे डिपार्टमेंट्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। आप CPWD दे सकते हो, NTRO सॉरी दे नहीं सकते, अलॉट होता है वो होने के बाद, एग्जाम सब हो जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपको सेलेक्ट करने को मिलता है। तब आप CPWD, NTRO, FBG, CWPRS इन सब आपको मिल सकता है, लेकिन अगर आप MES, BRO में जाना चाहते हैं या फिर नवाल में जाना चाहते हैं तो आपको डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा प्लस 2 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप MES और BRO वगैरह में जा सकते हो।
तो बात कर लेते हैं CET जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है SSC JEE पर। तो सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए कि CET जो है वो ग्रुप बी एंड ग्रुप सी नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए बोला गया है अभी तक। आगे क्या होता है पता नहीं, लेकिन अभी तक बोला गया है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी नॉन टेक्निकल पोस्ट, वाइल SSC JEE जा टेक्निकल पोस्ट अब ग्रुप बी। कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है SSC JEE पर, या फिर अगर इफेक्ट भी पड़ेगा हो सकता है तो क्या हो सकता है कि CET को एज ए प्री ले लिया जाए, अलग से प्री ना हो उसके लिए, जो प्री होता है 12 प्री ना देना पड़े आपको। और जो आपको पता ही होना चाहिए कि CET विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 2021 फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी नॉन टेक्निकल पोस्ट, ये जो 2021 से जो वैकेंसीज निकलेंगे उनके लिए एप्लीकेबल होगा, और ये जो रेलवे SSC और बैंक वालों के लिए अभी तक बोला गया है। कुछ टिप्स हैं आपको मैं देना चाहूँगा, अगर आप SSC JEE को करेक्ट करना चाहते हो तो आप टू द पॉइंट पढ़ें। टू द पॉइंट मतलब कहने का मतलब कि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पढ़ें, आप यहाँ वहाँ नहीं पढ़ रहे। आपको SSC JEE का तैयारी करना है और आप पढ़ रहे हो कंट्रोल सिस्टम, आप पढ़ रहे हो माइक्रो प्रोसेसर, तो ये सब नहीं आता। स्टडी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। और जो सेकंड टिप है वो है सॉल्व एंड एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर एनालाइज़ कीजिएगा खुद से, कोई कितना भी बता दे फिर भी ट्राई कीजिएगा एनालाइज़ करने का और सॉल्व कीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। आपको बेसिक आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है पिछले लास्ट ईयर्स में, और आप रिवाइज़ करते रहें रेगुलर मैनर में। आपको ये पता होना चाहिए रेगुलर मैनर मैंने इसलिए बोला क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। आपको ये पता होना चाहिए कि जो पत्थर होता है, एक स्टोन होता है, उस पर अगर रोज़ पानी गिरता है, एक एक बूंद वाटर अगर ड्रॉप होता है, तो शुरू में कुछ नहीं उखाड़ पाता है उस पत्थर का, लेकिन इतना कंसिस्टेंट होता है ना कि एक दिन ऐसा आता है कि वो पत्थर को भी चीर देता है। तो कंसिस्टेंसी इज़ द पावर यार, आप कंसिस्टेंट हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपने कछुआ और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। चल चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।